हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी भुट्टो, साथियों आज मैंने यहां अचरे थान में 240 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइन का इफ्तिताह किया है। सांगर के पसमांदा तरीन इलाके के लोग जो सदियों से प्यासे थे और अपनी प्यास बुझाने के लिए बारिश की दुआ मांगा करते थे और फिर बारिश के पानी को जमा कर करके अपने और अपने बच्चों की प्यास बुझाते थे। आज मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी का कोई लम्हा नहीं कि अचरे थर जा मुंजा मारवाड़ा आ जाएंगियारा हानरे प्यासा ना रहेंदा। साथियों नून लीग और उनके इत्तेहादी हो या पीटीआई, इन नाम निहाद बड़ी पार्टियों ने पिछले 5 साल सिर्फ अपनी जाती लड़ाई में गुजार दिया, गाली और इल्जामात की सियासत की, कुर्सी की लड़ाई में लगते रहे। इन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं किया, अवामी मसाइल पर बात तक नहीं की, अवाम के मसाइल हल करने के लिए ना इनके पास कोई मंशूर है और ना ही वो सलाहियत है। मगर हम पिछले 5 सालों से अवाम की खिदमत कर रहे हैं, हम अवाम के बुनियादी मसाइल हल करने में लगे हुए हैं। अवाम के बुनियादी मसाइल क्या है? तालीम, सेहत, रोजगार और साफ पानी, ये है अवाम के मसाइल जिन पर हमने काम किया। हमने तालीम के मैदान में काम किया, नई यूनिवर्सिटीज बनी, मेडिकल कॉलेजेस बनाए, छोटे शहरों में यूनिवर्सिटी कैंपसेस बनाए, स्कूल जाने वाले बच्चों की तालीम के लिए उन्हें वसीफा दिया जा रहा है। इसी तरह सेहत के शोबे में भी बहुत काम हुआ है। कराची में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर बनाया, पाकिस्तान के सबसे बड़ा बच्चों का इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर बनाया, कैंसर जैसे मर्ज के इलाज के लिए पाकिस्तान की पहली साइबर नाइफ मशीन लगाई। इस इलाज पर दुनिया भर में 50 से 60 लाख रुपया खर्च होते थे, मगर सिंध में इससे बिल्कुल मुफ्त इलाज होता है। दिल
दिल के इलाज के लिए कराची के बाद लड़कानो टंडो मोहम्मद खान सेवन और सखर में आलमी मयार के 5 बड़े हॉस्पिटल्स बनाए जहां बिल्कुल मुफ्त इलाज होता है। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए खैरपुर की तहसील गंबत में एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाया है जहां बिल्कुल मुफ्त इलाज होता है। ये बहुत महंगे इलाज है जो गरीबों की पहुंच से बहुत दूर थे, मगर आपकी हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इन्हें बिल्कुल मुफ्त कर दिया है। गुर्बत पूरे मुल्क का मसला है। नून लीग हुकूमत की गरीब दुश्मन पॉलिसीज की वजह से अमीर तर और गरीब तर होता जा रहा है। रोजगार के वसाइल ना होने से गुर्बत बढ़ती जा रही है। गुर्बत कम करने के लिए सिंध हुकूमत ने गरीब औरतों को बिला सूद कर्जे दिए ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, और इस प्रोग्राम के थ्रू हमने 6 लाख खानदानों को गुर्बत से निकाला और हम इसे वसी पैमाने पर फैला रहे हैं। साथियों, आप जानते हैं कि पानी इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत है, और हम आज से नहीं, किसी सुओ मोटो नोटिस की वजह से नहीं, बल्कि पिछले 10 साल से इस पर काम कर रहे हैं। पूरे मुल्क में पानी की कमी का शिकार है, मगर सिंध सबसे ज्यादा मुतासिर है। सिंध को ना सिर्फ पीने का पानी बल्कि ज़राअत के लिए भी पानी की कमी का सामना है। वफाक और इरसा सिंध को अपने पानी के हक के लिए तरसा रहा है। इरसा सिंध को अपने हिस्से का पानी नहीं दे रहा। 1991 का वाटर अकॉर्ड जिस पर भी हमारे तहफ़ुज़ात हैं, मगर जुल्म तो ये है कि आज उस वाटर अकॉर्ड पर भी अमल नहीं किया जा रहा। जब ये अकॉर्ड बना तब भी नून लीग की हुकूमत थी और आज भी नून लीग की हुकूमत है। और जब भी नवाज शरीफ इख्तदार में होता है तो आवाम को प्यासा रखता है। लाहौर में फूल तो उग जाते हैं लेकिन आवाम को पीने के लिए पानी नहीं मिलता, मगर हम पाकिस्तान को प्यासा नहीं छोड़ेंगे। जो पानी हमें मिलता है उसे बचाने के लिए हमने नहरों कनाल्स को पक्का किया, वाटर कोर्सेस को पक्का किया, शाखों को पक्का किया। सिर्फ सांगर में हमने पिछले 5 साल में 23 शाखों को पक्का करके हजारों एकड़ बंजर जमीन को आबाद किया। लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया करने के लिए पूरे सिंध में 1700 आरओ प्लांट्स लगाए, और आज हमने अचरे थर में बंजर रेगिस्तान में 240 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइन बिछा दिया। हमारी पूरी कोशिश है कि ना आप और ना आपके बच्चे प्यासे रहे,
ना आपकी जमीन और ना ही आपके जानवर। साथियों, हमने बहुत कुछ किया है, मगर मैं ये नहीं कहता कि सब 100% ठीक है। बहुत मसाइल आज भी है, मगर हमारी मेहनत और हमारी नियत पर शक नहीं किया जा सकता। हमें आवाम के मसाइल का इल्म है और हम हल भी कर सकते हैं। हम अवामी सियासत करते हैं, हम अवाम के लिए सियासत करते हैं। और सिंध में अगर इतने साल में कोई काम हुआ है तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। यहां हर कामयाब मंसूबे की बुनियाद हमने डाली। आप किसी भी पत्थर को उठाकर देख ले तो उसकी बुनियाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही नजर आएगी। नून लीग हो या फंक्शनल लीग, इन सब का सोच एंटी अवाम है। मुल्क के ये गैर मकलूब लोग, मकबूल लोग, मुस्लिम लीग के मुर्दा घोड़े को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम हर बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शक्ल में मज़ाहमत करते हैं। सांगर पुकार पुकार कर कह रहा है कि इसे तबाह करने वाला कोई और नहीं बल्कि फंक्शनल लीग है। जिन्होंने 50 साल सांगर में हुकूमत की, वो तो आज भी वफाक में नून लीग के साथ है। इन्होंने आपके लिए क्या किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो अभी सांगर में हुकूमत मिली है, इससे पहले सांगर में फंक्शनल लीग ने क्या किया? ये जो नॉट सो ग्रैंड डिसफंक्शनल अलायंस सियासी टीमों का टोला इधर उधर फिर रहा है, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो कभी वजीर आला रहे, वजीर और मशीर रहे, कभी बादशाह तो कभी बादशाह घर रहे। इनको तो घोटकी के इलेक्शन में लग पता गया कि आवाम में इनकी क्या इज्जत है। घोटकी के आवाम ने इनको इनकी हैसियत दिखा दी और अपना फैसला सुना लिया है। ना पीर जो ना मीर जो, फैसलो जमीर जो, वोट बेनजीर जो, निशान अतफ पीर जो। ना पीर जो ना मीर जो, फैसलो जमीर जो, वोट बेनजीर जो, निशान अतफ पीर जो। मैं पूछता हूं फंक्शनल लीग ने सांगर के लिए क्या किया? शदादपुर के लिए क्या किया? खिप्रो के लिए क्या किया? तंडो आदम के लिए क्या किया? इन्होंने तो हमेशा सांगर को अपनी जागीर और इसकी आवाम को अपना गुलाम समझा। पिछले पचास सालों में इन्होंने आपको क्या दिया? आपको, आपके बच्चे को अंधेरे में रखा, महरूमी में रखा, गुर्बत में रखा, भूखा और प्यासा रखा। मगर अपनी जेब, अपने पेट और अपने घर फटते रहे। फंक्शनल लीग ने तो
सांगर को प्यासा और लावारिस छोड़ दिया था, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ वाटर सप्लाई स्कीम शुरू की। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ कि सांगर से मीरपुर खास रोड की बुनियाद किसने रखी? पीपल्स पार्टी ने। सांगर नवाबशाह रोड किसने बनाया? पीपल्स पार्टी ने। खैबर से सांगर तक रोड किसने बनाया? पीपल्स पार्टी। तंदो आदम से कंडियारी रोड किसने बनाया? शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी सांगर में किसने बनाया? साथियों, हम सूफीज्म के मानने वाले हैं, हम तमाम मजरात का एहतराम करते हैं, मगर हमें सियासत को पीरी मुरीदी से अलग करना होगा। बड़ी बड़ी बातें तो सब कर लेते हैं, मगर जिसने खिदमत की, जिसने कुर्बानी दी, जिसने खून दिया, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे नाना शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो था, मेरी माँ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी, और मैं उनकी औलाद हूँ। मेरे नाना शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो पर सांगर में हमला हुआ, मगर ना वो डरे और ना हम डरे, डरने वाले हैं, क्योंकि सांगर अवाम का है, किसी की जहांगीर नहीं। हमने आपका साथ नहीं छोड़ा और ना ही यहां की अवाम से अपना नाता छोड़ा। भुट्टो शहीद का नवासा और बीबी शहीद का बेटा आज आपसे वादा करता है कि मैं भी कभी आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं मानता हूं कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ और काम करना है, हमें अभी आपकी और खिदमत करनी है। यहां पर आलमी मियार का हॉस्पिटल बनाना है, जहां बिल्कुल मुफ्त इलाज होगा, आवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करनी है। साथियों, अवाम को इससे कोई गर्ज नहीं कि किसको क्यों निकाला गया। अवाम अपने मसाइल का हल चाहती है, अवाम तालीम चाहती है, अवाम सेहत चाहती है, अवाम रोजगार चाहती है, अवाम खुशहाली चाहती है, अवाम रोटी कपड़ा और मकान चाहती है, अवाम रोशन मुस्तकबिल चाहती है, और वो रोशन मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिलवा सकती है। जब वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, तो उस वक्त मुल्क के हालात बेहतर नहीं थे, आमरियत की वजह से सुबह और वफाक में बहुत दूरियां थी, दहशतगर्दी की वजह से अमन व अमान का बहुत बड़ा मसला दरपेश था, मुआशी बदहाली थी, मगर हमने इन तमाम मसाइल पर काबू पाने के लिए पार्लियामान को एतमाद में लिया, सियासी पार्टियों से मशावरत की और मुत्तफिका अतारवी आईन तरमीन की। अतारवी तरमीन वो कानून है जिसने सुबाए खुद मुख्तारी को यकीनी बनाया, वफाक की ताकत निचली सतह पर मुंतकिल की, बुनियादी हकूक की आउटरीच को वसी किया, और सूबों को पहली बार माली, सियासी और इंतजामी तौर पर मजबूत किया, और अपने वसाइल की
مالکی دی. ہمارا یہ ماننا ہے کہ مستحکم صوبے ہی مضبوط وفاق کی علامت ہے. آج کل نون لیگ 18ویں ترمیم پر حملے کر رہی ہے. 18ویں ترمیم کے تحت جو اختیارات صوبوں کو منتقل کیے تھے انہیں واپس لینے کے بھی سازش کر رہے ہیں. انہوں نے تو 5 سال تک NFC اوارڈ نہیں دیا. میں نے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم پر کوئی حملہ برداشت نہیں کرے گا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 30 سال سیاسی جدوجہد کا مقصد 1973 کے آئین کی اصل حالت میں بحالی تھی, اور ہم نے 18ویں ترمیم کے ذریعے ان کے مقصد کو پورا کیا. آپ بتائیں ہم کس طرح اس پر حملے برداشت کریں گے. ساتھیوں, پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی پروگرام کا آغاز کیا, لیکن نون لیگ حکومت کو یہ پروگرام اس لیے پسند نہیں کیونکہ یہ پروگرام شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نام پر ہے, اور یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ویژن تھا. اس کے کاغذ پر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی تصویر لگی ہے, اور کیونکہ اس پروگرام کے تحت غریب عورتوں کی مدد ہوتی ہے, اس لیے وہ غریب عورتوں کو دیے گئے کاغذ کینسل کر رہے ہیں اور ان کا حق مار رہے ہیں. سن لو نون لیگ والو, تم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام پر سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی تصویر تو ہٹا دی, مگر لوگوں کے دلوں سے کیسے نکالو گے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ غریب عورتوں کا حق مارنا جائز ہے؟ کیا یہ فضول پروگرام ہے؟ نون لیگ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتی ہے جو ان کو لگتا ہے کہ غربت دیرینہ مسئلہ نہیں, کہ یہ کیسے سوچتے ہیں کہ غربت مسئلہ نہیں. ہمارا یہاں لوگ غربت کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں, غذائی کمی کی وجہ سے لوگ بیماریوں کا شکار ہیں, بچے معذور پیدا ہوتے ہیں, بچوں کی شرح اموات دنیا میں کئی ممالک سے زیادہ ہے. مجھے تو یہ سب حقائق دیکھ کر رات کو نیند نہیں آتی. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ کیا ان کا ضمیر مر گیا ہے؟ کیا انہیں خدا کا خوف نہیں؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ غریبوں کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے؟ ان کے پاس امیروں کے قرضے معاف کرنے کی کو طاقت ہے, مگر غریبوں کی امداد کرنے کی سکت نہیں. یہ امیروں کو ٹیکس ایمنسٹی سکیمز تو دے سکتے ہیں, مگر غریبوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں. ان کے پاس میٹرو بس بنانے کے لیے اربوں روپیہ ہے, مگر یہ غریب ترین عورتوں کے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کارڈز کینسل کر رہے ہیں. میں یہ برداشت نہیں کروں گا, میں غریبوں کی تسلیل نہیں ہونے دوں گا. میرا چاہے وفاق میں بینظیر انکم سپورٹ ہو یا سندھ حکومت کا غربت کم کرنے کا پروگرام, پاکستان پیپلز پارٹی تو غربت سے لڑتی رہے گی. لیکن یہ ظالم حکمران
ये सालेम हुक्मरान, इन्होंने गुर्बत नहीं गरीब मिटाने का फैसला किया है। साथियों, आज मैं सांगर में सिर्फ साफ पानी देने आया हूं, लेकिन आपके पास तो जलसा बनता है। मैं फिर सांगर आऊंगा, जलसा करूंगा। इलेक्शंस आने वाले हैं, ये इलेक्शंस हम भरपूर तैयारी के साथ लड़ेंगे, हम एक मुकम्मल मंशूर के साथ लड़ेंगे। हमारा मंशूर किसान दोस्त मंशूर है, हमारा मंशूर मजदूर दोस्त मंशूर है, हमारा मंशूर गरीब दोस्त मंशूर है, हमारा मंशूर अवाम दोस्त मंशूर है। सुनो सियासतदानों, मीडिया वालों, सुनो कि खल्के खुदा क्या चाहती है। मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान, इल्म सेहत सबको काम। मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान, इल्म सेहत सबको काम। और मैं ये मंशूर लेकर आपसे वोट मांगने आऊंगा। मुझे आपकी ताकत चाहिए, मुझे आवाम की ताकत चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। और मैं ये जानता हूं, मैं जानता हूं कि सांगर के आवाम मुझे मायूस नहीं करेंगे। आए हम मिलकर नारा लगाए, ना पीर जो ना मीर जो, फैसलो जमीर जो, वोट बेनजीर जो, निशाना तकदीर जो, ना पीर जो ना मीर जो, ना पीर जो ना मीर जो, फैसलो जमीर जो, वोट बेनजीर जो, निशाना तकदीर जो। आप सबका बहुत मेहरबानी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सांगड़ में तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सियासी जमातों को हदफ तंकीद रखा और